राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, तापमान बहुत बढ़ चुका है और सुंडी का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको मारने के लिए हम इस समय इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% SC जो कि दानेदार फॉर्म में आती है, इसका प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये वेस्ट या उच्च क्वालिटी की कुछ कंपनियों के नाम जो कि व्यापारिक नामों से देती हैं इमामेक्टिन बेंजोनेट, उनका नाम बताएंगे और इसकी मात्रा आपको बताएंगे। ये टाटा कंपनी की आप रिलोन के नाम से ले सकते हैं। इसका आप 12 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बाद में आप अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करें। इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% SC जो कि टाटा कंपनी की रिलोन के नाम से आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि आप अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो आप सुंडी को मार सकते हैं और आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी, जिससे जो ये कीड़े होते हैं इन पत्तियों को चबा कर नष्ट कर देते हैं पौधों को, इससे आप इस समस्या से बच जाएंगे। यही दवा इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% SC कुछ अन्य कंपनियों की आती है, जिनका व्यापारिक नाम जो कि क्रिस्टल कंपनी की मिसाइल के नाम से आती है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और आपके फसलों में जो सुंडी है, इस सुंडी को आप नष्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसलों पर छिड़काव करें। ये सुंडी फल में है, लगी हुई है, या आपके पत्तियों पर है या पौधों पर है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको हम बात बताएंगे, यही दवा इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% SC जो कि दानेदार आती है धानुका कंपनी की, EM1 के नाम से, EM1 लिखा होता है। आप इसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। उसके बाद में यही दवा आप अदामा कंपनी की एमनॉन के नाम से जो आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एमनॉन अदामा कंपनी की जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें, तो आपके फसलों में जो सुंडी है, प्रकोप है, ये सुंडियां मर जाएंगी और आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। किसान भाइयों, इसके बाद में आप अदामा कंपनी के अलावा जो कि आपको इफ़को कंपनी की इफ़को MC के नाम से आती है दवा, आप इसका प्रयोग करके सुंडी को आप नष्ट कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग मात्रा जो है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के दूसरे या तीसरे दिन ये सुंडियां मर जाएंगी और आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। यही दवा आपको जो कि इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी की प्रोएक्टिव के नाम से आती है। इसमें भी इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% पाया जाता है, दानेदार आती है, और आप इसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप घोल बनाकर खड़ी फसल पर आप इसका छिड़काव करते हैं तो आप में के फसलों में जो भी कीड़े हैं वो मर जाएंगे, रेंगने वाले, सुंडी वाले, और आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।